पंजाब की नाभा जेल में सुरक्षा चूक का बड़ा मामला सामने आया है। नाभा जेल में कुछ हथियारबंद लोगों ने जेल में घुसकर 6 कैदियों को भगा दिया है। जेल से फरार होने वालों में एक गैंगस्टर और 2 आतंकी शामिल हैं। बदमाशों ने इस पूरी घटना को बेहद फिल्मी तरीके से अंजाम दिया। 4 बदमाश पुलिस की वर्दी में जेल में दाखिल हुए, इसके बाद फायरिंग करते हुए अपने साथियों को भगा कर ले गए। बदमाश जिन कैदियों को भगा कर ले गए उनमें एक गैंगस्टर विक्की गोंडर और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू भी शामिल है। बदमाश इस तरह आए थे जैसे किसी कैदी को छोड़ने आए हों। आपको बता दें कि नाभा जेल को बेहद हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि यह पंजाब की बाकी सभी जेलों में सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल है। इस बीच जेल पुलिस की जवाबी फायरिंग ना होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सभी आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है और जांच भी शुरू हो चुकी है। पुलिस फरार बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। नाभा जेल प्रशासन का कहना है कि उन्हें लगा कि शायद सामान्य रूप से जो पुलिस की गाड़ी आती है कैदियों को पेश करने के लिए, उसी में से कोई टीम आई है। आपको बता दें कि हरमिंदर सिंह मिंटू खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का चीफ है। 2 साल पहले पंजाब पुलिस ने उसे मलेशिया से गिरफ्तार किया था और जिन 6 कैदियों को हथियारबंद बदमाश भगाकर ले गए हैं उनमें गैंगस्टर विक्की गोंडर भी शामिल है। विक्की गोंडर मुक्तसर का रहने वाला है। उसने कपूरथला में हाईवे पर पुलिस कस्टडी में एक दूसरे गैंगस्टर सुखा कालवा की सरेआम हत्या कर दी थी। उसने हत्या करने के बाद सड़क पर भांगड़ा भी किया था। देश में अफरा तफरी के माहौल के बीच अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। जेल में घुसकर फायरिंग करते हुए कैदियों को भगा ले जाना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। देखते रहिए डीवी लाइव।